उसी बीज से आप देख सकते हैं इसमें दो निकला है, इसमें एक है। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SS Passion में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आजकल मेरी सुबह की शुरुआत तो किचन से ही होती है, मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि 2 से 3 दिनों से मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे सीधे किचन में ही आना पड़ता है। पर आज तो मेरे साथ धोखा हो गया फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जब मैं आई किचन में तो सोची चाय बनाती हूँ, देखी दूध तो है ही नहीं। मुझे याद ही नहीं था कि दूध तो रात में ही ख़त्म हो गया था, तो मैं हस्बैंड को बोली कि आप दूध ऑर्डर कर दीजिए, तब तक मैं पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और प्याज का पराठा। तो डो लगा ले रही हूँ मैं, तो डो में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, 1/4 टीस्पून नमक डाल देना है और इसका सॉफ्ट डो लगा लेना है। आलू भी मेरा बॉयल हो ही गया है, आप साइड में देख सकते हैं आलू रखा हुआ है, 4 आलू है, ज़्यादा आलू नहीं है। और ये सब काम करते करते ये देखिए दूध भी आ गया स्विगी से। तो अभी तो मैं दूध को बॉयल होने के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अभी सुबह से अभी तक हम लोग चाय नहीं पिए हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी गुड़ वाली चाय। हम लोग लगता है ना कि 1 से 1.5 साल से गुड़ वाली चाय ही पी रहे हैं, चीनी वाली चाय तो कब का छोड़ चुके हैं। इवन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं गुड़ वाली खीर भी खाना, चीनी वाली गुड़ भी हम लोग सोच रहे हैं छोड़ ही दें, बहुत टेस्टी बनता है गुड़ वाली खीर भी। तो यहाँ पे मैं साइड से बना रही हूँ इडली फ्राई। एक्चुअली कल का इडली बचा हुआ था 3, मैं सोची कि इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि सांभर चटनी तो बचा नहीं हुआ है, तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इडली फ्राई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना होता है, 1 चम्मच तेल डालेंगे, डालेंगे राई जीरा, जब तड़कने लगे तो कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें। साइड से मैं 6 से 7 लहसुन को कद्दूकस कर ली हूँ और साथ में 2 हरी मिर्च है वो भी इसमें डाल देंगे। सारे प्रोसेस में ना गैस का फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो तड़का हमारा जल जाएगा। तो जैसे ही हल्का सा ये भुन जाए तो 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें, और उसके बाद इसमें डाल देना है ये काटा हुआ इडली। मतलब बहुत ही सिंपल फ्राई आप लोग देख सकते हैं, कुछ इसमें कोई खास मसाला है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक और थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, बस हो गया। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, मतलब इसके ऊपर ना एक हल्का सा वो जो क्रंची सा लेयर आ जाना चाहिए। गाइस, पराठे की सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। यहाँ पे मैं प्याज ले ली हूँ, ये 3 मीडियम साइज का प्याज है। इस पराठे में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि आलू प्याज का पराठा है ना। और यहाँ पे अदरक को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, ये 5 हरी मिर्च है। और यहाँ फ़ौरन के लिए आप देख सकते हैं ये धनिया, ये सौंफ और ये जीरा है। और सारी मतलब आधा आधा चम्मच ले सकते हैं या फिर उससे थोड़ा थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये मुँह में आने लगेगा। मेरा आलू भी मैश हो चुका है, अब चलिए फटाफट स्टफिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में डालिएगा 2 से 3 चम्मच तेल, डालेंगे सबसे पहले हींग, हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तड़का डाल देंगे, मिर्च अदरक को डाल के हल्का सा भून लेना है। उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा प्याज, और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कितना इसे भुनना है। तो गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, बस इस तरह से इसे सॉफ्ट करना है। 1 चम्मच इसमें डालेंगे बेसन और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लीजिएगा ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनेगा बेसन तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसे भी कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे मसालों को लो फ्लेम पे ही। और जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ आलू। आलू को भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सोंधा सा। और जब आलू भून जाएगा ना तो लास्ट में डाल दीजिएगा इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आएगा, हल्का हल्का खट्टा लगेगा तो चटपटा ज़्यादा लगेगा। जब अच्छे से मिल जाएगा ना आमचूर तो लास्ट में इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और इस स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे, तभी हम इसका पराठा बनाएंगे। तो जब तक ये स्टफिंग हमारा ठंडा होगा मैं साइड से कुछ कुछ काम भी कर लेती हूँ, जैसे कि आज मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़ा देना था, बेड बनाना था, रूम ठीक करना था, तो मैं सोची वो सब फटाफट से काम कर लेती हूँ।
गाइज, मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो बाहर है, जो मेरा फ्लैट है ना उससे बाहर है, क्योंकि अंदर जगह नहीं बना इसे रखने के लिए, तो हम लोग यहीं पे इसे सेट कर दिए, तो बाहर आना पड़ता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए। तो आज है बुधवार, तो बुधवार कल हो जाता आपको बृहस्पतिवार, तो कपड़े कल मैं नहीं धोती हूँ बृहस्पतिवार को, तो मैं सोची आज ही इसे दे देती हूँ वॉश में। इस बार मैं ब्लैक वाला कंफर्ट लेके आई हूँ फ्रेंड्स, हमेशा मैं पिंक वाला या फिर ब्लू वाला इस्तेमाल की हूँ, पहली बार मैं ये ब्लैक लेकर आई हूँ। देखते हैं, और ये देखिए मेरे प्लांट्स की क्या हालत हो रखी है। एक्चुअली मैं ये गेंदा का फूल बहुत पहले ही खरीद के लेकर आई थी, बड़ा बड़ा प्लांट था, लेकिन वो लगा ही नहीं, सूख गया। तो मैं क्या की थी, ये जो इसका बीज होता है ना, मैं इसे मिट्टी में डाल दी थी, तो उसी बीज से आप देख सकते हैं इसमें दो निकला है, इसमें एक है और एक उधर है, और एक यहाँ ये रहा गाइस। गाइज, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे पर अभी वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, तो बोले कि ऑफिस नहीं जाऊंगा, और उन्हीं के चलते मैं सुबह से जगी हुई हूँ ताकि मैं उनको सारा काम टाइम से करके दूं, पर वो नहीं जा रहे हैं, तो उनका तो आराम हो गया पर मैं सुबह से लगी हुई हूँ। चलिए कोई नहीं, मेरे घर का सारा काम तो हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं, रूम वूम अरेंज हो गया है, कपड़े धुल रहे हैं, स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है पराठे के लिए, उसे भी अभी जाके बनाना है, और आज नहाने में थोड़ा लेट हो जाएगा हमको क्योंकि मुझे अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करना है, और आप देख सकते हैं ये सब बाल भी आ गया है, तो इसे भी मुझे, मैं सोच रही हूँ इसे भी मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि आज बुधवार है तो आज मैं क्लीन कर सकती हूँ, बृहस्पतिवार कल हो जाएगा तो कल ये सब काम मैं नहीं करती हूँ, तो सोच रही हूँ वो भी कर ही लूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अब पराठा बनाने फ्रेंड्स। आलू प्याज का पराठा तो मेरा बन गया, और ये करते करते भी वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं इसे पसार दे रही हूँ, इसके बाद मुझे अपनी थ्रेडिंग करनी है। तो पर गाइज, मैं थ्रेडिंग का फुल वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से मैं उसमें बताई हूँ कि कैसे अपना खुद का थ्रेडिंग आप कर सकते हैं, और करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखता है आईब्रो, प्रैक्टिस करते करते घर पर ही ये काम हो जाता है। इसको ऊपर रखना होगा ना शर्ट को आयरन करके, हाँ तो अभी कर दे रहे आयरन, इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा तुरंत, क्योंकि कपड़ में रखेंगे तो फिर रखे रह जाता है। मैं जल्दी से अपने बालों में मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बज चुका है, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर नहाने में भी काफ़ी लेट होगा। तो गाइज, मेहंदी घोलने से लेकर लगाने तक का फुल वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर की हूँ, ज़रूर उसे देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। तो गाइज, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।